कॉम्प्रोमाइज जो आज सभी लोगों की सभी की लाइफ में होता है और हर कदम पे हर जगह में जिंदगी में करना भी पड़ता है, समझौता। इसी पे एक रचना लिखी है मैंने। समझौता दूसरा नाम है जिंदगी का, समझौता दूसरा नाम है जिंदगी का, समझौते से ही चलते हैं हम हर कदम जिंदगी का। परिवार हो या हो दोस्ती यारी, परिवार हो या हो दोस्ती यारी, करना पड़ता हर जगह समझौता बारी बारी। कभी माँ बाप की खुशियों के खातिर तो कभी दोस्तों को बचाने के खातिर। समझौता दूसरा नाम है जिंदगी का, एक रिवाज है रिश्ते निभाने का। समझकर भी ना समझ बनना पड़ता है, समझकर भी ना समझ बनना पड़ता है, कभी कभी अपनों के आगे झुकना पड़ता है। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या हो शादी की बात, देना पड़ता ना चाहते हुए भी सबका साथ। ना हो भले अपनी खुशी उसमें, ना हो भले अपनी खुशी उसमें, पर देना पड़ता साथ उनके फैसले में। एक लड़की की जिंदगी में सब कुछ मिलता है उसे पसंद से, एक लड़की की जिंदगी में सब कुछ मिलता है उसे पसंद से, पर थामना पड़ता है उसे हाथ किसी का एक दिन सबकी वजह से। अपनाना पड़ता है उसे नए परिवार को, अपनाना पड़ता है उसे नए परिवार को, चाहे ना मिले वहां सम्मान सबके बराबर का उसको। समझौता दूसरा नाम है जिंदगी का, करना पड़ता है समझौता, सम्मान बरकरार रखने को परिवार का। कभी नौकरी तो कभी समाज भी, कर देते मजबूर समझौते पे आज भी। किए कई अनुभव हैं अपनी जिंदगी में भी, माने कई फैसले अपनी मर्जी के खिलाफ भी। कहा नहीं कभी कुछ भी, दिखती थी क्योंकि खुशी उस फैसले में सभी की। समझौता हाँ दूसरा नाम है जिंदगी का, समझौते से ही चलते हैं हम हर कदम जिंदगी का। हाँ समझौता दूसरा नाम है जिंदगी का। कई बार हम लिखते हुए भी सोचते हैं कि लिखे या न लिखे, लेकिन हमने लिखा उसको बेबाक तरीके से लिखने की कोशिश की। महिलाओं की स्थिति जो समाज में रही है शुरुआती दौर से और आज भी ये देखने को मिलती है, तो उस पर आपने बहुत अच्छा लिखा। समझौता दोनों रचनाएं आपकी बहुत अच्छी लगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम पहले रचनाएं पढ़ेंगे, सभी जितने भी साथियां बैठे हैं उनको सभी को मौका मिलेगा जिन्होंने लिखा है, तो हम दो रचनाएं अपनी यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय रहा तो हम थोड़ी सी चर्चा और विमर्श भी हम करेंगे। बीच में हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि उससे कार्यक्रम फिर लंबा होता है। समय बचेगा तो हम विमर्श करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे इस आपके लेखन कार्य को लेकर के, तो वो थोड़ा सा बाद में होगा। पहले हम सभी इस पर अपनी रचनाएं पहले सुनेंगे, तो उन्हें सभी का स्वागत करते हुए बाहर से भी हमारे पास टॉक के बाहर से भी हमारे पास एक दो साथी आए हुए हैं, टीकाराम जी पालीवाल निवाई से और रोहित जी शर्मा जो मेरे विद्यालय में संस्कृत से आप लेक्चरर हैं, तो आप दोनों निवाई से पधारे, तो इनके सम्मान में हम ताली बजा दें क्योंकि हमारे मेहमान हैं। वैसे तो मेजबान ही है लेकिन मेहमान भी है, ये चमकते हैं महताब की तरह। ये आप सभी के लिए महक फैली है आजकल आपकी, महक फैली है आजकल आपकी हरेक बाग में गुलाब की तरह। आप जो लिख रहे हैं तो आप सभी पर मैंने चार लाइन लिखने का प्रयास किया था कि आजकल क्योंकि आप दो पंक्ति भी लिखेंगे तो वो तो बात तो जाएगी कि हाँ इसने लिखा है, तो इसीलिए मैंने ये आपको लिखा। इसके बाद चाहूंगी और थोड़ा एक चीज और बता दूं क्रम को लेकर, जो बुलाने का क्रम है मेरा, हालांकि हमने जो पोस्टर बनाया उसमें मेरे पास दो नाम आए थे तो हमने वो क्रम तय किया था, लेकिन अब चूंकि हम सब यहाँ पर इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे बेनाम साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं, आप भी काफी वरिष्ठ हैं, आप भी यहाँ पर बोलेंगे, तो मैंने जो क्रम अभी यहाँ आने के बाद बनाया वो इस तरह से बनाया कि कुछ पहले नए लोग, फिर बीच में कुछ वरिष्ठ, फिर नए, फिर वरिष्ठ। तो आप इसको अन्यथा न लीजिएगा कि हमें सबसे बाद में बुलाया या हमें सबसे पहले बुलाया, क्योंकि सभी को अवसर यहाँ दिया जाएगा। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान बाबूलाल जी नायक को, ये हमारे वरिष्ठ साथी हैं और आप सभी जानते हैं, और
दो तीन साल से आपने जो धूम मचा रखी है लेखन के क्षेत्र में और मायड़ भाषा में आप बहुत अच्छा लिखते हैं, ये मैंने आपको देखा है, तो आप भी आकर अपनी, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बाबूलाल जी सर को कि आप यहाँ पर आए और अपनी रचनाएं आप सुनाएं। स्वागत है बाबूलाल जी सर। नमस्कार सभी को, ये बात मायड़ भाषा की आई है तो क्योंकि मायड़ भाषा में हम पढ़ते हैं लेकिन कई बार उनको हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आजकल आधुनिक दौर में हिंदी भाषा का इतना जोर है कि मायड़ भाषा को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तो मायड़ भाषा के बारे में जानती नहीं होती क्या है, तो कई स्थितियों में मैंने प्रयास किया है कुछ कृतियों के ऊपर भी, कुछ संस्कृति पर और कुछ प्रयास किया है, हो सकता है वह इस मंच पर खड़े न उतरे लेकिन कोशिश है कि वो खड़ी उतरेगी। तो अगर कहीं आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है या कुछ अनावश्यक है तो मुझे सजेशन जरूर करें। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना है जो कि हम देखते हैं कि अंधविश्वास जो कि आज हमारे समाज में फैला हुआ है, उस अंधविश्वास को देखते हुए मैंने इसमें गीत के रूप में अपनी मायड़ भाषा में लिखा है, तो उसका शीर्षक है शिक्षा रो योग मूल कठे। तो इसमें मैंने क्या क्या तो आपके सामने मति पट्टी को ते मर रे भाईड़ा, मति पट्टी को ते मर रे भाईड़ा, गोरी करो ते अठे बटे, मन में ठाणो बात ज्ञान री, अन समझी मत करो अठे, अंधकार में जीनो छोड़ो, अंधकार में जीनो छोड़ो, शिक्षा रो यो मूल कठे, मत भटको ते मर रे भाईड़ा, शिक्षा रो यो मूल कठे, छुआ छूती और भेद बावरो, छुआ छूती और भेद बावरो, लगे कलंक समाज कठे, दूरा पड़े जा मानवता सू, अंधविश्वास बड़े बटे, अंधकार में जीवन छोड़ो, अंधकार में जीवन छोड़ो, शिक्षा रो यो मोल कठे, मत भटको ते मर रे भाईड़ा, शिक्षा रो यो मोल कठे, बाल विवाया असी कुरूति, बाल विवाया असी कुरूति, बचपन सालो हर लेवे, छोटा मोटा टावर यान, शिक्षा सुवंचित कर देवे, अंधकार में जीवन छोड़ो, शिक्षा रो यो मोल कठे, मत भटको ते मर रे भाईड़ा, गोरी करो ते अठे बटे, अनपढ़ रहवे जन्म जन्म वो, अनपढ़ रहवे जन्म जन्म वो, समझ न पावे बात अठे, काला अक्षर भैंस बराबर, सुन सुन जीवन भारी अठे, काला अक्षर भैंस बराबर, सुन सुन जीवन भारी अठे, अंधकार में जीवन छोड़ो, अंधकार में जीवन छोड़ो, शिक्षा रो यो मोल कठे, मत भटको ते मर रे भाईड़ा, गोर करो ते अठे बटे, अज्ञानी गुण हत्या करता, अज्ञानी गुण हत्या करता, देखा लोग अठे बटे, अज्ञानी गुण हत्या करता, देखा लोग अठे बटे, सोरा का चक्कर मरे आगे, कन्या मरवावे अठे, चोरा का चक्कर में आके, कन्या मरवावे अठे बटे, अंधकार में जीवन छोड़ो, अंधकार में जीवन छोड़ो, शिक्षा रो यो मोल कठे, मत भटको ते मर रे भाईड़ा, गोर करो ते अठे बटे। एक समय मृत्यु भोज को भी जोड़ा करें, मृत्यु भोज रो टंकोरे बाजो, मृत्यु भोज रो टंकोरे बाजो, लेन बटे छे बेजा अठे, मृत्यु भोज रो टंकोरे बाजो, मृत्यु भोज रो टंकोरे बाजो, लेन बटे छे अठे बटे, बर्बादी राई झंझट में, अरमान मरे
अच्छा होने के बावजूद भी कुरीतियों में फंस रहा है, क्योंकि समाज उसको चारों ओर से घेरे हुए। अगर वो नहीं भी करना चाहता है तो समाज के परिवार उसको करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जो इसका विरोध करता है उसको ये मानते हैं कि समाज से बिल्कुल अलग है, डटा हुआ है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा जानता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसे घिरे हुए कुरीतियों में, अंधविश्वास में, जान के बूझते हुए पढ़े लिखे हुए बावजूद भी, तो हम एक तरह से दूर समझ के कहा जिसके अंदर में कुछ यहाँ पर आजकल देखते हैं कि आज युवा पीढ़ी शराब के नशे में मदमस्त है, इसमें है, कई प्रकार के से उसमें फंसी हुई है और वह पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। तो मैंने ये कि हमारे जो सम्मानित बच्चन जी साहब हैं उनके मधुशाला को पढ़कर मेरे भी कुछ जी प्रेरणा ली, उसने मैंने कुछ दो तीन कुंडलियों में लिखने का प्रयास किया है। तो मैंने उस कुंडलियों का नाम मधुशाला दिया है। हमारे प्रेरणा स्रोत रहे जो जब तक पढ़ते थे कॉलेज में, तो मधुशाला हम खूब पढ़ते थे, हमारे छात्र साहब उसको बड़े आनंद के साथ पढ़ाया करते थे। तो मैंने भी कोशिश की लिखने की, कहां तक खड़ा उतरता हूं। मधुशाला में जाके मायके ले मैं भी ले शराब, मधुशाला में जाके मैं भी ले शराब, चाहे जितना दाम लगी खरीद रहे बेटा, चाहे जितना दाम लगी खरीद रहे बेटा, खरीद रहे बेटा सब सुपुत्र को बेटते, खरीद रहे बेटा सब सुपुत्र को बेटते, सारे गम मिटाए के ठेके पर ही खेलते, सारे गम मिटाए के ठेके पर ही खेलते, कहे कभी नायक बंधु मदमस्त हो मतवाला, कहे कभी नायक बंधु मदमस्त हो मतवाला, और जिसने पकड़ी राह बर्बाद करी मधुशाला, जिसने पकड़ी राह बर्बाद करी मधुशाला, मधुशाला के फेर में फंसे जो भी लोग, मधुशाला के फेर में फंसे जो भी लोग, दमड़ी सब खर्च होगी बर्बादी का योग, बर्बादी का योग दुख पावे भर परिवार, बर्बादी का योग दुख पावे भर परिवार, और सुदबुद को बेट दे कर्ज भी होए भरमार, कहे कभी नायक बंधु करे क्या ऊपर वाला, अरे आंख मीच डूबते अंत करती मधुशाला, आंख मीच डूबते अंत करती मधुशाला, मधुशाला के खुलते ही पहुंच जाए हैवान, क्योंकि उसका उपयोग करने के बाद हैवान ही है, मधुशाला के खुलते ही पहुंच जाए हैवान, और भारी ले खुराक को बन जाता शैतान, क्योंकि एक दो पौधे से बाहर नहीं बढ़ती तो जम के लेता, बन जाता शैतान सबको ही आंख दिखाए, और लड़खड़ाता ही चले जब फिरता पड़ता जाए, कहे कभी नायक बंधु जब दुष्ट बना मतवाला, और मदमस्ती का जमकर खुली पड़ी है मधुशाला, खुली पड़ी है मधुशाला। धन्यवाद। कि मधुशाला की चौखट पर नित्य ही लेते पे, और बेसनी की चादरें ओढ़े लोग अने, बेसनी की चादरें ओढ़े लोग अने, और ओढ़े लोग अने फोड़ी भाषा बोले, पीने के बाद फिर वो फोड़ भाषाएं बोलते हैं, पीते खूब शराब लड़खड़ाते ही डोले, कहे कभी नायक बंधु मदमस्त सोए मतवाला, और कुत्ते ही मुंह चाटे क्या करेगी मधुशाला, कुत्ते ही मुंह चाटे क्या करेगी मधुशाला। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूलाल जी सर, आपने दो रचनाएं सुनाई, दोनों सामाजिक कुरीतियों को लेकर आपने लिखने का प्रयास किया है, और लेखक को ये तो ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्यों लिख रहे थे, हम अगर लिख रहे हैं तो वो हमारे समाज में जाती है और जा रही है, तो उनका असर हमारी रचनाओं का क्या जाता है, तो उस अगर उस हिसाब से देखें तो कुछ संदेश परक रचनाएं आपने यहाँ पर पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, और आप भी भविष्य में एक पुस्तक प्रकाशन करवाने का आपका प्लान है, योजना है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसके लिए अग्रिम बधाई है, आप उसको लाएं सब तक समाज तक। मैंने एक सभी जो यहाँ बैठे साथी, मतलब एक सुझाव कहे या एक साथी के नाते एक बात की लिखते हैं तो हम एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मैंने कहीं पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे कि समाज ऐसा नहीं है कि समाज में बुराइयां हम देखते हैं कि बहुत बुराइयां हैं, लोग गुणों को कम देखते हैं दोष ज्यादा देखते हैं, वही कहते हैं कि हम गुण कम देखते हैं दोष ज्यादा देखते हैं, और इसीलिए समाज में दोष ज्यादा है, मतलब आप जिस चीज को ज्यादा रिपीट करेंगे बार बार, हम 50 बार दोषों को गिराएंगे तो लेखक ध्यान रखें,
हम जो लिख रहे हैं तो उसमें नेगेटिविटी ना लिखे। अभी परसों के संविधान कार्यक्रम में मुझे भी अवसर मिला एक राजस्थान गीत प्रस्तुत करने का, भाई महिला साथी आई और उन्होंने गीत सुनाया वहां पर। वो गीत जो था वो बिल्कुल महिलाओं का था, लेकिन निराशा को लेकर था कि महिलाओं के साथ ऐसा 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 कि ऐसा बहुत कम है, इतना है नहीं जितना कि हम बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उनको रिपीट किए जा रहे हैं। लेखन में भी अगर हम चीजों को रिपीट करेंगे तो वही बात है कि जो चीज पहले की वो उतनी ज्यादा वो समाज में आएगी। तो पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें हमारे लेखन के माध्यम से भी, तो जैसे कि बाबूलाल जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। तो उसके महिला साथी के जवाब में मैंने एक बात कही कि दर्द में भी हम मुस्कुराने का जिगर रखते हैं, दर्द में भी हम मुस्कुराने का जिगर रखते हैं, टूटे आईने में भी हम समझने का हुनर रखते हैं, टूटे आईने में भी हम समझने का हुनर रखते हैं। डूब जाएंगे वो अश्कों के सैलाब में एक दिन, डूब जाएंगे वो अश्कों के सैलाब में एक दिन, अपनी आंखों में हम गहरा समंदर रखते हैं, अपनी आंखों में हम गहरा समंदर रखते हैं। ये पुस्तक के माध्यम से मैंने युवाओं पर जवाब भी दिया था। तो हम क्यों अपनी कमजोरी दिखाए, कहेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्रीमान रामनंदन जी मुगरनिया को, जो हमारे बीच बैठे वरिष्ठ साथी है और थिएटर ग्रुप के आप सबसे वरिष्ठ साथी है। आपने बहुत बड़े बड़े आयोजन जो है जिले में किया है, जिले में बहुत नाम भी रोशन किया है, आप लिखते भी है गद्य में और पद्य में दोनों में। स्वागत है रामनंदन जी सर। जो ढोती है वजन परिवार का, करती है नौकरी और
तेरी में खुश फूकती है चूल्हा शाम सवेरे तम भोर भोर पाती है रिवाया सुख की आस में दिखाती है चुप चुप जोशी को हाथ की रेखिया सिर दर्द की गोली के लिए पसारती है हथेलिया छिप छिप कर भेजती है संदेश बिहार में दुदकारती है भाविया चल बसती है देर सवेर सिर से पांव तक पर तक आभूषणों से लग तक शमशान तक एक एक बंधन को उतार आभूषण को बांधते इसी उम्मीद पास से सुशोभित होगी इन्हीं से बंधेगी बहु और बेटिया चिता की लकड़ी में जलती विद्रोह से तड़तड़ा की बंधनों से मुक्त मृतदेह का शोर तब जाता है सत्वंती सती सावित्री और कमा में भली मिनक होने के जय घोष मगर विद्रोह करती ओर देख पाती है संभव विद्रोही होने के मानक शब्दों में अमानवीय सत्ता को ललकार की पाती है पगलिया रणनी चिनार और रखे लकड़ा जगत बिछाना पता नहीं मैं महिला कितने पास में हूं उनकी बात को क्यों कहता हूं पता नहीं मैंने समाज को देखा है समझा है सोचा है शायद मैंने मेरी माँ बहनों के साथ मैंने खुद को बोला है शायद मैं उनके पक्ष को रख पाता तमाम तरह की बातें हैं तमाम तरह की पीड़ाएं हैं समाज में और जब तक इसको हम पैनी नजर से नहीं देखेंगे हमें हमारी सोच को बदलना होगा हर चीज को बदलना होगा हमें निर्मम तरीके से देखना होगा कुल मिलाकर बात किए रहना चाहता हूं हमें अपने द्वंद्वों से पार पाना होगा तभी हम शायद उस तरफ बढ़ पाएंगे तो एक माया था सब एक गीत कहता हूं मैं आपके जो कि थोड़ा सा तब उस बात को कहता हूं थोड़ा धम्म पद का कुछ अनुवाद है तो मैं तेरे शब्दों में कहना चाहता हूं तो तेरे बहुत करीब हूं उनकी बात कहना चाहता हूं नहीं छोड़े फिर
अपना होगा सारा जमा।
Thank you.
चांद सरी की पूनम हो तुम जीवन का मधुमास भी, चांद सरी की पूनम हो तुम जीवन का मधुमास भी, रची बसी हो मेहंदी सम जीवन में कुछ खास भी, रची बची हो मेहंदी सम जीवन में खास किए, अब तो केवल यही तमन्ना जीवन संग गुजर जाए, अब तो केवल यही तमन्ना जीवन संग गुजर जाए, तू जो करवा चौथ मेरी तो मैं हूं बस उपवास किए, तू जो करवा चौथ मेरी तो गली और गांव
कार्यक्रम ये ठीक है, लेकिन ये काव्य पाठ का भरपूर आनंद लीजिए इस कार्य काव्य संगोष्ठी और काव्य पाठ जब वो चलते हैं तो वहाँ सभी रंगों में वो रंगा होता है, उसमें ओज की पढ़ी भी पढ़ी जाती है, वहाँ हास्य भी पढ़ी जाती है, तो श्रृंगार भी पढ़ा जाता है। और आपको देखा कि श्रृंगार जो है बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसकी भी अपनी ऐसा नहीं कि समाज में इसका कोई महत्व नहीं, ये भी अपनी जगह है, श्रृंगार के बिना कुछ है नहीं। और बहुत सारे तो श्रृंगार में भी वियोग पक्ष बहुत खूबसूरत तरीके से दिखते हैं, कुछ श्रृंगार के सहयोग पक्ष को जैसा कि आपने लिखा टीकाराम जी ने लिखा, अभी मेरी बात करें तो वियोग पक्ष से लिख पाती ज्यादा मेरी रचना में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां श्रृंगार में सहयोग पक्ष कहीं दिखाई देगा आपको, वहां पूरा वियोग पक्ष आपको दिखाई देगा। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा यहाँ पे इसका आनंद भी ले साथ में, बीच बीच में आप तालियां भी बजाते हैं, बीच बीच में आप जो आपके साथ सामने साथी आ रहे हैं तो आप प्रोत्साहित भी करें, है ना। अभी ये काव्य पाठ का जो मंच होते हैं कवि सम्मेलन होते हैं, अगर ये वो होता तो पदक दो लाइन भी नहीं पढ़ते हैं वहां कभी, फिर वो कहते तालियां बजेंगे, है ना। तो वो मंच और अपनी दो रचनाएं जो भी आपकी बोलिंग रचना है साथ में साथ बिक्री विचार संवाद।
नहीं, आएंगे सब जैसे यहाँ पर कार्यक्रम
लिस्ट में मेरे पास नाम है, सबका नाम भी मेरे सामने मेरे साथी बैठे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए और मेरी दो रचनाएं, मेरी दो जो मौलिक रचनाएं रखी है वो आप यहाँ पर सुनाए। अभी मैं मुझे पता है सभी को अपनी बारी का इंतजार रहता है, हरकत भी बढ़ती रहती है कि हमको पता ही कभी आपका आ जाए, क्योंकि थोड़ा झिझक भी रहती है सभी के साथ ऐसा होता है, और इंतजार भी रहता है कि मेरी बारी आए, तो सबको ही मैं बुलाना चाहूंगी। तो हमारे साथ जी सर का स्वागत है। लता जी की स्मृति में भी मैंने लिखा था, वो काव्य गोष्ठी है, तो लता जी हमारे लिए
परेशान है, तो किसी साथी ने कहा था कि आप लिखते हैं तो लता के बारे में तो खैर हम इतना है नहीं क्योंकि पूरी बात को लिख सके, लेकिन जितना जोड़ने की कोशिश की है वो आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। पहली काव्य गोष्ठी है, तो काव्य गोष्ठी में लता जी को याद करना ने मुनासिब समझाया मैंने। ओए सी प्यारी थी लता जी आपकी आवाज, ओए सी प्यारी थी लता जी आपकी आवाज, पांच वर्ष की आयु से ही गायकी में भरी ऊंची परवाज, पांच वर्ष की आयु से ही गायकी में भरी ऊंची परवाज, तेरे वर्ष में ही उठा सर से पिता का साया, तेरे वर्ष में ही उठा सर से पिता का साया, चार भाई बहनों के पालन का बोझ कंधों पर आया, चार भाई बहनों के पालन का बोझ कंधों पर आया, वह को भी अपना धर्म निभाया पर खुद को बिल्कुल भुलाया, वह को भी अपना धर्म निभाया पर खुद को बिल्कुल भुलाया, जीवन संघर्ष करते हुए अविवाहित जीवन पाया, जीवन संघर्ष करते हुए अविवाहित जीवन पाया, सबको खूब पढ़ाया लिखाया, खुद ने शिक्षा घर पर पाई, लता जी ने सारी शिक्षा घर पर पाई, सबको खूब पढ़ाया लिखाया, खुद ने शिक्षा घर पर पाई, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर हेमा से लता कहलाई, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर हेमा से लता कहलाई, 50 तरह की भाषाओं में 50,000 नगमे गाए, 50 तरह की भाषाओं में 50,000 नगमे गाए, भारत रत्न प्राप्त करके पूरी दुनिया में नाम कमाए, भारत रत्न प्राप्त करके पूरी दुनिया में नाम कमाए, ये मेरे वतन के लोगों जब धरत भरी आवाज में गाई तो पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू आए, मेरे वतन के लोगों जब धरत भरी आवाज में गाए तो पंडित नेहरू जी की आंखों में आंसू छलकाए, सदा आपका ऋणी रहेगा, सदा आपका ऋणी रहेगा भारत देश का गीत और संगीत, हर इंसान को जगाए रखेगी आपकी मीठी मीठी प्रीत, हर इंसान को जगाए रखेगी आपकी मीठी मीठी प्रीत, आपकी जैसी आवाज ना थी और न ही अब कभी होगी, आप न रहने भी हमेशा मन में बनी रहेगी, आप न होते भी हमेशा मन में बनी रहे बसी रहेगी, स्वर सम्राज्ञी को करता है हर भारतीय सरसर नमन, स्वर सम्राज्ञी को करता है हर भारतीय सरसर नमन, विश्व में देश का मान बढ़ाया नहीं भूल पाएगा ये वतन, नहीं भूल पाएगा ये वतन।
श्रोतम है उन पे एक अपनी मौलिक रचना सुनाना चाहूंगी। यो मानते हैं राम को आदर्श अपना जन सभी, यो मानते हैं राम को आदर्श अपना जन सभी, पर राम के आदर्श को क्या धारते हैं जन सभी। यो राम के आदर्श को यो मानते हैं राम को आदर्श अपना जन सभी, पर राम के आदर्श को क्या धारते हैं जन सभी। अनुजों को अपने स्नेह की छाया सदा देते रहे, अनुजों को अपने स्नेह की छाया सदा देते रहे, माओं को अपने प्रेम से गदगद सदा करते रहे, माओं को अपने प्रेम से गदगद सदा करते रहे। हे तात उनको प्राण प्रिय, हे तात उनको प्राण प्रिय, प्यारे वहां के जन सभी, पर राम के आदर्श को क्या धारते हैं जन सभी। मेरी माँ की भी दुआ को भी मुझे अपना।
लड़के लिए शब्द अपने भाव अपने बस एक थोड़ी सी दिशा मिल जाए तो, और मेरी मुझे भूमिवाई की कार्यक्रम है इन्होंने जब किसी दूसरी की रचना को इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया तब मुझे लगा कि क्योंकि लेखन के साथ साथ अगर उसके प्रस्तुतिकरण भी अच्छा है तो वो कहते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात रहती है तो वो दोनों चीज आपने यहाँ पे प्रेजेंट की जो मैंने बहुत अच्छा लगा और वैसे सभी साथियों का अपना अपना लेखन है सबका अपना एक अलग क्षेत्र को मैंने अभी पहले कहा था कि जो हमारे नौ रचन में से अलग अलग रचनों पर लिखते हैं इसके साथ ही हमारे शब्दों का चयन है और शब्द विधान है तो अब अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्रीमान खेमचंद्र जी को जो मेरे साथ साथ ही रह भी चुके हैं और अभी वर्तमान में आप हरचंद हेमंतला चौधरी में आप लेक्चरर हैं और आप ही यहाँ पर अपनी मौलिक रचना सुनाने वाले हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करना चाहूंगी खेमचंद्र जी सर को कि आप मंच पे आए और अपनी मौलिक रचना प्रस्तुत करें स्वागत है पत्नी कहे कभी मूड नहीं होता खाना बनाने का पत्नी
कहे तो होटल जाओ, पत्नी कहे तो होटल जाओ शाही पनीर कोफ्ता खाओ, पत्नी कहे तो होटल जाओ शाही पनीर कोफ्ता खाओ, तंदूरी रोटी खा खा कर दुनिया भर के रोग लगाओ, तंदूरी रोटी खा खा कर दुनिया भर के रोग लगाओ, कौन कहे पिज्जा में ना है, कौन कहे पिज्जा में ना है, जो मजा गुड़दानी में यारों मैंने शादी कर ली गई भैंस पानी में। नेता अफसर याहो ज्ञानी, नेता अफसर याहो ज्ञानी करे वही जो कहे बहाना है, नेता अफसर याहो ज्ञानी करे वही जो कहे महारानी, ज्यादा बहस करे कोई तो सब मेहनत पे फिरता पानी, ज्यादा बहस करे कोई तो सब मेहनत पे फिरता पानी, सारे खोट पति में होते, सारे खोट पति में होते, खोट न देखो जनानी में, यारों मैंने शादी कर ली गई भैंस पानी में, यारों मैंने शादी कर ली गई भैंस पानी में। सारी दुनिया मुझे पूछती, सारी दुनिया मुझे पूछती मेरी बातें रोज मानती, सारी दुनिया मुझे पूछती मेरी बातें रोज मानती, सारे जग में इतनी इज्जत मेरी पत्नी नहीं जानती, सारे जग में इतनी इज्जत मेरी पत्नी नहीं जानती, चाहे मीठा बोलो उससे, चाहे मीठा बोलो उससे, लागे कर्कश वाणी में यारों मैंने शादी कर ली गई भैंस पानी में। लेकिन जो शादी है ये तालमेल का नाम है, और एक बात सच में लड़ाई हो गई अरुणा कि सच में लड़ाई भी हो जाती है, तो एक दिन उनसे हुई लड़ाई अंतिम अंतिम कमांश है, हो सकता है बिल्कुल आपने कनेक्ट किया, हो सकता है एक दिन उनसे हुई लड़ाई कैसी सब्जी आज पकाए, एक दिन उनसे हुई लड़ाई कैसी सब्जी आज पकाई, बोली गुस्से से जुझलाकर तुम ही पका लो रखी कढ़ाई, बोली गुस्से में जुझलाकर तुम ही पका लो रखी कढ़ाई। उस वक्त बात समझ में आई, उस वक्त बात समझ में आई, क्या कर बैठा नादानी में, यारों शादी हानि है तो खूब फायदा हानि में, यारों शादी हानि है तो खूब फायदा हानि में। धन्यवाद ममता जी ने आज इस जनसरोकार मंच के माध्यम से देवेंद्र जी ने जो मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मौके मिले तो लोग प्रयास करें तो जरूर कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। दो पंक्तियों में इनकी बात को कहना चाहूंगा कि परों को खोल, परों को खोल जमाना उड़ान देता है, परों को खोल जमाना उड़ान देता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देता है। शुक्रिया। कोई छूटेगा नहीं, अब आप विश्वास
आपके लिए देना चाहूंगी, आप बहुत खूबसूरत आवाज है, धनी है। आप जब गाते हैं तो आप वास्तव में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने स्कूल से हीरे चुन चुन के निकालना शुरू कर दिए कि कौन है क्या कुछ है। मुझे मतलब क्वालिटी इनकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो आना चाहिए। कई मंचों पर मेरे साथ दो तीन बार जा चुके हैं, बहुत अच्छा आप गाते हैं, तो मैं आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, आप दो रचनाएं यहाँ पर सुनाए। स्वागत है रोहित सर। कहानी तो बन गया आंसुओं का।
आपकी आवाज़ में ऊपर अच्छी आ रही है। आवाज़ दूसरा कर रहे हैं।
मंच पर आए और आप भी अपने कोई दो मौलिक जो भी रचना है आपको लगता है मेरी पहली बार आप फिर सुनेंगे तो हमें भी आपका साथ बात की मुझे भी ख्याल आया कि मैं आज इस पर
Thank you.
मियां टोपी साहब का आपको याद है कांटी से लिखा था बुंदेल सर ने, तो मैं पढ़ रही थी जिया टोपी है आज मैं कौन से कवि है वो शायर है यानी मशहूर शायर है नाम में भूल रही हूँ जिन्होंने स्वामी बुद्धियान को बड़े बड़े फिल्म जो राइटर्स है उनके साथ काम किया है संगीत का क्यों है सर अशोक सर शाद कैफी साहब श्रृंगार की देशभक्ति की आदि कविताएं बहुत लिखते हैं। मेरा सबसे
अपनी ये पराई हस्ती में कभी आप लोगों को भी तो मिले होंगे जले भुने लोग। पीछे से हर बात पे आपकी ये नाक धो चढ़ाएंगे, पीछे से हर बात पे आपकी ये नाक धो चढ़ाएंगे, कभी सलाही मांग लो तो गलत राह भी बताएंगे। ऊपर से मुरीद आपके पर अंदर से बुरा ही ये जानेंगे, होते हैं भाई होते हैं ऐसे भी तले भुने लोग। आडंबर करेंगे महान ताका दिखाएंगे विचार समानता का। अपने आस्था को इसे दिखाते हैं कि हम बड़े महान हैं, हम समानता की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसा वाक्य भी होता है तो ऐसा होता नहीं है कि आडंबर करेंगे महान ताका दिखाएंगे विचार समानता का। पर चाहिए तो समानता सिर्फ अधिकार की, पर चाहिए तो समानता सिर्फ अधिकार की, कर्तव्य की बात पर ओढ़ लेंगे आवरण अज्ञानता का। जब इनको कोई काम बताया जाए तो अज्ञानी बताए कि हम ताका ही है, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। कर्तव्य की बात पर ओढ़ लेंगे आवरण अज्ञानता का, अपनी कमियां कभी नहीं स्वीकारेंगे, अपनी कमियां कभी नहीं स्वीकारेंगे। जो कोई कहते अरे तू जानता क्या, जो कोई उनको कहते अरे तू जानता क्या, हर सिस्टम में मिल ही जाते हैं ऐसे गिने चुने लोग। उनके कम बोलने से तुम ये मत समझ लेना कि अपनी मस्ती में ही रहते हैं, किसी से मैं कुछ इनको लेना देना। उनके कम बोलने से तुम ये मत समझ लेना कि अपनी मस्ती में रहते हैं, किसी से मैं कुछ इनको लेना देना। तुम इनको पास न फटकने देना राज कोई भुगल में देना, 10 हाथ की दूरी रख के बनाए रखना अनसुने लोग। सूरत में नकाब ये ओढ़े रखते हैं मासूमियत का, वो दिखते कैसे हैं, हमारे जैसे दिखते हैं और हमसे भी ज्यादा मासूम बनते हो रहते हैं। तो सूरत में नकाब ये ओढ़े रखते हैं मासूमियत का, ढोंग होठों पे एक सहज मुस्कान और आंखों में नमियत का। सूरत में नकाब ये ओढ़े रखते हैं मासूमियत का, ढोंग होठों पे एक सहज मुस्कान और आंखों में नमियत। उदारता तो एक बहाना है, वैसे दूर तक नाम नहीं इनमें आदमियत का, हर जगह का कदम होते हैं कुछ चुने चुने लोग। दूसरों को ज्ञान बांटने का हुनर इनमें खूब होगा पर बात जब खुद पे आए हो काम में इनका मौन होगा, पर बात जब खुद पे आए हो अपना भी काम दूसरों पर सरकाएंगे राय देंगे पर खुद अमल में नहीं लाएंगे। ऐसे में हाल पूछे इनसे कोई तो फिर क्यों नहीं आनंद ही बताएंगे। कर्म ही जीवन का आधार है, फिर कैसे रह लेते हैं बिना गिरे डुले लोग। सारी अपनी सोच को लेकर साथ सहज होश को फिर भी तुमको लगेंगे ये भले भले लोग। न ऊंटों का लेना न मादों का देना, टाइप के होते हैं ये लंबे तुले लोग। जिंदगी की इतनी मस्ती से मस्ती में कभी आपको भी तो मिले होंगे जले तुले लोग। चलेगा एकदम मजाक था।
आगे की अच्छी रेखाएं खींचता हूँ जिसको सुनने वाली कविताओं का दावा करते हैं। कुछ पंक्तियां इस प्रकार है कि मुझे बहुत पसंद है, अपने अंदर ही कई खिड़कियां बनानी है, मुझे फौलाद से कुछ लड़कियां बनानी है, तुमने नींदों के लिए गोलियां बनाई, मुझे नींदों के लिए गोलियां बनानी है, तुम बनाते रहो बंदूक बम और पटाखों को, तुम बनाते रहो बंदूक बमों और पटाखों को, मुझे सावन में हरी चूड़ियां बनानी है। और आज फिर से याद आ रही है बहुत अम्मा की, आज फिर से अपने लिए पूड़ियां बनानी है। एक कविता है बहुत छोटी सी, पहले जिंदगी बनाई गई फिर दुश्वारी बनाई गई, बनाए गए खुशी के चंद्र गमों की फिर सदी बनाई गई, सर पे रख माता आंचल बच्चों की हंसी बनाई गई, लोगों में भेदभाव तब था क्या कि सरहदी जमी बनाई गई, पहले ख्वाब बनाए गए फिर ख्वाब में परी बनाई गई, सब बनाना जब बेकार हुआ तब उसकी गली बनाई गई। थैंक यू। तुम्हारी जो चार पहले थी पहले वाली वो गली देखा थी तो बड़े जो भी था
रचना है, उस पर आपने अच्छी रचना यहाँ पर पढ़ी। और मुझे सच बताऊं कि आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम को आयोजित करके, पर एक चीज तो समझ में आई कि टोंक में जो है हीरो की कमी नहीं है। रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, जो
जब परदेश जाता है कोई टुकड़ा जिगर का, जब परदेश जाता है कोई टुकड़ा जिगर का, हाथ में शस्त्र लेकर दर पर आ जाती है मां, दर पर आ जाती है मां। चाहे हम खुशियों में मां को भूल जाए, चाहे हम खुशियों में मां को भूल जाए, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आ जाती है मां, तो याद आ जाती है। जब परेशानियों से घिरते हैं हम परदेश में, जब परेशानियों से घिरते हैं हम परदेश में, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है मां, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है मां। 2001 में पहली बार मैं अपने गांव को छोड़ा था और ग्रेजुएशन करने के लिए पूरा पंच में एडमिशन लिया, तो सब किताबें दिए कि मम्मी क्या लाती थी। लौटकर वापस सफर से जब भी घर आते हैं, लौटकर सफर से जब भी घर वापस आते हैं, आंचल में अपने झांप के सर को सहला दिए मां, सर को सहला दिए मां। शुक्रिया हो ही नहीं सकता इसका कभी पूरा, मरते मरते भी दुआ जीने की रह जाती है मां, मरते मरते भी दुआ जीने की रह जाती है मां। अंतिम दो लाइनें तो साथ में 2004 में जब लास्ट किया था तो एक दोस्त था मेरा वीरेंद्र शेखावत और उसकी मां आंसर हो गई थी, तो वो दो लाइनें लास्ट में वीरेंद्र की जोड़ी थी मैंने, तो वो इस प्रकार है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी गुजर जाती है। धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत अच्छी मापन, और आज मापन की कोई रचना आई भी नहीं थी तो हमने माँ के सम्मान में आपने रचना पढ़ी, और ये रचना जो है बहुत सही की माओ के सम्मान में थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब शायद मैं बची हूँ तो कुछ रचना है एक आध, ऐसा कुछ नहीं है जो अब आप सबको आज सुना तो ऐसा लग रहा है मेरा सुनो सबने अच्छा लिखा है। एक अभी पिछले साल वैसे तो मेरे पास गजलें बहुत है, मैं गजल लिखती हूँ, स्पेशल मेरा जो विषय है और मेरी जो पसंद है वो गजल है, गीत और गजल सभी विषयों पर लिखती हूँ। एक पुस्तक तो आ चुकी है आप सभी को पता है, दूसरी पुस्तक के लिए तैयारी रचनाएं भी हो चुकी है, तो लेकिन मैं आज विशेष तौर से रचना सुनाना चाहूंगी जो पिछले साल मेरे घर में रेस्क्यू हुई थी, मेरे पति जी का देहांत हो गया था 26 साल की उम्र में, मेरा बहुत लाडला था, तो उसी को समर्पित मैं करना चाहूंगी। इन दिनों की बात है तो मुझे आजकल उसकी बहुत याद से आती है, तो मुझे लगा कि मुझे उसे इसको समर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन के रूप में सुनाना चाहिए, मैंने लिखा था सुना लेगा। रचना का शीर्षक मैंने दिया था तू थोड़ा और कह जाता, कुछ कह जाता कुछ सुन जाता, कुछ कह जाता कुछ सुन जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, कुछ कह जाता कुछ सुन जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, सबकी नजरें तुझको ढूंढे पर तू क्यों नजर नहीं आता, सबकी नजरें तुझको ढूंढे पर तू क्यों नजर नहीं आता, तू थोड़ा और ठहर जाता। ऐसी भी क्या जल्दी थी प्रिय, ऐसी भी क्या जल्दी थी प्रिय, यूं हमें छोड़कर जाने की, ऐसी भी क्या जल्दी थी प्रिय, यूं हमें छोड़कर जाने की, क्या कोई वहां भी, क्या कोई वहां भी तेरा है जिससे तेरा कहना लगा, क्या कोई वहां भी तेरा है जिसने तेरा गहरा लाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता। घर सूना है आंगन सूना, तेरे दिन मन मंदिर सूना, घर सूना है आंगन सूना, तेरे दिन मन मंदिर सूना, वैभव तेरे यूं जाने से, वैभव सुना, वैभव तेरे यूं जाने से, रोया सारे जग का दाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता। ऐसे भी भरा कोई जाता है, ऐसे भी भरा कोई जाता है, कुछ कहा नहीं कुछ सुना नहीं,
तेरे अपने ही तो थे, हम तेरे अपने ही तो थे, अब जाना है ये कह जाना, हम तेरे अपने ही तो है, अब जाना है ये कह जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, आंखों का तारा रूठ गया कि पल में रिश्ता छूट गया, आंखों का तारा रूठ गया कि पल में रिश्ता छूट गया, हम आसमान को तकते हैं, हम आसमान को तकते हैं, तारों में कहीं तू दिख जाता, तारों में कहीं और दिख जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, सिर मेरी दुआएं उस जहां में तू आबाद रहे, उस जहां में तू आबाद रहे, तेरा जिक्र सदा तेरे बाद रहे, उस जहां में तू आबाद रहे, तेरा जिक्र सदा तेरे बाद रहे, अब तुझसे मिलन ऐसे होगा, अब तुझसे मिलन ऐसे होगा, सपनों में रहे आता जाता, सपनों में रहे आता जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता, तू थोड़ा और ठहर जाता। लेकिन मैं चाहती थी कि उसको मैं समर्पित कर दूं, मैंने लिखा है उसको, तो मेरा समर्पण उसके लिए हो। मैं अभी एक गजल सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। अभी दिनों में लिखी है उसको, वैसे ही पढ़ूंगी मैं, तरंग में नहीं पढ़ूंगी उसको। सुना है लोट के वो अपने घर गया, आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने ग्रुपों में डाली थी, सुना है लौट के वो अपने घर गया, सुना है लौट के वो अपने घर गया, लगता है उसका उसने दिल भर गया, लगता है उसका उसने दिल भर गया, सोया था मेरी गोद में रखकर कभी, सोया था मेरी गोद में रखकर कभी, गैर के शानों पर आज वो सर गया, गैर के शानों पर आज वो सर गया, लगता है उसका उसने दिल भर गया। मैं सिर्फ तेरा हूं कहता था उसने, मैं सिर्फ तेरा हूं कहता था उसने, कोई बताए वो मेरा किधर गया, कोई बताए वो मेरा किधर गया, लगता है उसका उसने दिल भर गया। कि गजल जरा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब आगे सुनिए, गजल की है बिखर गया, लगता
कि उम्र के फासलों के रिश्ते निभाते, उम्र के फासलों के रिश्ते निभाते, ममता जिंदगी का हसीन सफर गया, जिंदगी का हसीन सफर गया, लगता है इसका उससे दिल भर गया। एक तरंग स्लम जाके मुझे अभी दिनों ही लिखी है, एक बस इतना सा उससे सह दे रहा मुझे, एक तरंग में गजल सुन। ये मैंने उसने लिखी थी शरद पूर्णिमा के लिए लिखी थी मैंने। शरद Thank you.
आपके संबलन की हमें जरूरत है, आपके
केस पटल पर ममता जी के संयोजन में एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत रखी गई, क्योंकि चंद्रशोभा मंच को पिछले 6-7 साल से लेकिन इस मंच पर कुछ आरोप भी थे। आरोप इस तरह के थे कि साहब यहां पर जो प्रोग्राम होते हैं बहुत ज्यादा जिन्हें साइंटिफिक कहा जाता है पुस्तकें होती हैं, उसको विमोचन होते हैं, वो पुस्तकें कुछ ही लोग पढ़े हुए होते हैं जो अपने विचार व्यक्त करते हैं और श्रोता जो है हालांकि उनको समय और सम्मान बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी श्रोता पूरी तरह समझ कर बात नहीं करता, ये कभी सामने आता है। इस पर भी हमने विचार किया और अपनी दिवाली से पहले ही सेवन भाई और मिले और हमने कहा चलो एक नई शुरुआत है और उस तरह की शुरुआत का परिणाम आपके सामने और सुखद है। कारण ये तो अंदाजा हुआ कितने लोगों से हम परिचित हो रहे, जबकि जनसरोकार मंच तो ये कहता है कि इसमें न पद है न सदस्यता है, हर वो व्यक्ति हमारा अपना है जो अपनी बात कहना चाहता है चाहे वो किसी भी विधान में हम उसको स्वागत करते हैं, तो फिर हमसे ये छुटे कैसे। तो आज जनता जी का इसलिए भी आभार है इस मंच की तरफ से और भी ले जाएंगे पर मैं सुना खुशी। अब जहां तक बात आती है कविता की नजर नजर इस पर यह कहना है साहब ये तो शुरुआत है, ये रचना है, ये सब छोड़ दीजिए आप मत सोचिए, पहली जरूरत है कि आपको वैसे किसी ममता जी ने कहा भी था कि आप छंद मात्रा है और इसके उसकी कैपिटल और इसे ना चाहिए आप पहले दीजिए, वो सब काट छाट तो बाद में होती रहती वक्त अपने आप करा सकेगा और क्योंकि बहुत सारी गलतियां वक्त में समझ हमसे कहा जब आप अपनी रचनाओं को पढ़ते हैं तब भी आपको स्वयं समझ में आ जाता है कि यार ये सब की बजाय ये सब कुछ आ जाता है, तो ये सब तो वक्त समझ में इसलिए उसके लिए आप
इससे बचना क्या आप देखा होगा? माफ करना मुझे इससे बचना बहुत जरूरी है कि आप ये सोच के बैठ जाए कि आपको गालियां बजती हैं, हम मंच पे जाते हैं, हमारी बाबा होती है और मेकअप होता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। आज भी जरूरी चला के चलते हैं क्योंकि ठीक है उसमें से हम पढ़े होते हैं लेकिन हम काबिलियत भी जितने पढ़े होंगे अलग किसी को तो उससे मत आ। लेकिन अगर कविता लिख रहे हैं कविता की दो शर्त होती है ज्यादा नहीं बोलना, एक तो कभी भी ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल ना करें जो प्रतीक अनलॉजिकल इस्तेमाल करते हैं तो कविता में कविता ही कब आएगी जब आप बिन का प्रयोग करें, एक दृश्य संयोजन का प्रयोग करें तो थोड़ा सा आपको अपनी इस यात्रा में इन चीजों के साथ देंगे, इन पर आश्रित मत हो लेकिन इनसे भी व्यवहार हो जाए धीरे धीरे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है धन्यवाद।